नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज़ स्टेशन। अब बात करते हैं अखिलेश यादव और ओपी राजभर के बीच में। देखिए, अखिलेश यादव और ओपी राजभर के बीच में जुबानी जंग जो है वो काफी तेज हो गई। जी हाँ, अब तो देखिए कि सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। जहां एक तरफ तंज कसने की जो खेल चल रहा था, जो जुबानी जंग चल रही थी, अब वहां पे आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो शुरू हो गई है। जी हाँ, यहाँ पे अखिलेश यादव ने साफ साफ ओपी राजभर पे बहुत संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ साफ ये बोल दिया है कि ओपी राजभर ने जो हमारी तरफ से जो भी टिकट दी जाती है, यानी कि हमारी सीट से जो सीट ओपी राजभर के सदस्यों को दी जाती है, वो सीट वो पैसे लेकर बेच डालते हैं। जी हाँ, यहाँ पे अखिलेश यादव ने ओपी राजभर पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया है। यहाँ पे उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि ओपी राजभर पैसे लेकर टिकट बेचते हैं, टिकट बेचने का काम करते हैं। लेकिन वहीं आप देखिए कि इस पे ओपी राजभर ने पलटवार किया है, सुभाषपा ने इस पे पलटवार किया है। ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर ने साफ साफ यहाँ पे अखिलेश यादव को निशाने पर लिया है और उन्होंने दो चार देखिए असेंबलीज के नाम ले लिए, उनके दो चार नेताओं के नाम लेते हुए साफ साफ बोला है कि देखिए कि इनको देखिए कि आपने किससे कितने पैसे लिए, मैं बता सकता हूँ। साफ साफ देखिए कि यहाँ पे वो सबूतों की भी बात कर रहे हैं कि अखिलेश यादव के पास मेरे पास सबूत है, अखिलेश यादव के खिलाफ मेरे पास सबूत है और उन सबूतों को मैं कहीं भी लेकर पेश हो सकता हूँ कि जहाँ उन्होंने पैसे लेकर टिकट बेचे हैं। तो लगातार देखिए कि दोनों एक दूसरे पर अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति खेल रहे हैं। जो राजनीति सिर्फ तंत्र तक सीमित थी, अब देखिए कि आरोप लगना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे देखिए कि अखिलेश यादव ने, अगर आपको बताऊं कि यहाँ पे जो गठबंधन टूटा था तो वो पत्र लिखकर टूटा था। अखिलेश यादव ने दोनों चाचा शिवपाल यादव और ओपी राजभर की पार्टी को पत्र लिखा था। दोनों को ही बोला था कि अगर आपको कहीं भी जाना है तो आप जा सकते हैं, आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके बाद आप देखिए कि ओपी राजभर का बयान आया था, अगले दिन ही बयान आ गया था और उन्होंने बोला था कि ये तलाक हमें मंजूर है। इसके बाद अब देखिए कि जो तंज की राजनीति वो काफी तेज हो गई है, वो तंज की राजनीति अब आरोप प्रत्यारोप में बदल गई है। अब बहरहाल आप देखना ये होगा कि कौन कितने पैसों में टिकट बेचता है, क्या इसका खुलासा होगा, क्या ओपी राजभर की पार्टी, जो अखिलेश ने दावा किया है, जो अखिलेश ने आरोप लगाए हैं, उसके ऊपर कोई ऐसे सबूत पेश कर सकती है जिसकी अखिलेश की मुश्किलें बढ़ सकती है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि यहाँ पे जो अखिलेश ने आरोप लगाए हैं क्या वो सच हो सकते हैं, और वहीं ओपी राजभर के बेटे ने जो आरोप लगाए हैं क्या वो भी सच हो सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ नेशन।